दे रहा हूं के शर्मा जी, जो बात निकल के आ रही ममता जी की मुलाकात सोनिया गांधी के बाद, उन्होंने कहा कि 3 साल का वक्त है, मैं सभी नेताओं के संपर्क में हूं। डॉक्टर साहब, संसद सत्र खत्म होने के बाद सबसे मिलकर बात करेंगे, मैं कार्यकर्ता हूं, देश पर जनता का राज होगा। डॉक्टर के शर्मा, ओपनिंग रिमार्क, फिर आगे बढ़ते हैं जी। 10 सेकेंड्स आपके। बस मैं एक जवाब, एक जवाब शिवसेना के प्रवक्ता जी का देने के बाद में आपको प्रश्न पे आ जाता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या हमें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? प्रतीक जी, बिल्कुल प्रश्न पूछने का विपक्ष को अधिकार है, पर विपक्ष को किसी केंद्रीय मंत्री के हाथ से कागज छीनकर संसद के अंदर फाड़ कर फेंकने का अधिकार नहीं है। किसी भी पार्टी के और किसी भी विपक्ष को संसद की मर्यादा को तार तार करने का अधिकार नहीं है। किसी भी विपक्ष के नेता को स्पीकर का अपमान करने का अधिकार नहीं है और इस तरह कागज लहराने की का कोई अधिकार नहीं है। कोरोना पे बात करनी होती है, सर्वदलीय बैठक से भाग खड़े होते हैं आप। सर जो है कोरोना पर इतना बाहर चिल्लाते हैं और अंदर बैठ के बात करनी होती है तो आप बहिष्कार करते हैं और ऊपर से यह कहते हैं कि हमको विपक्ष को दबाया जा रहा है। आप बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है कि जब आप संसद में बात करेंगे तो आपके पूरे सारे पोल पट्टी खुल जाएंगे, इसलिए आपको यह डर लगता है। आप किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। आप देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे को का केवल जो है बर्बादी कर रहे हैं। राइट सर। और इसी के साथ मैं कहता हूं प्रतीक जी मैं केवल एक बात कहकर समाप्त कहता हूं। जो ममता जी कह रही हैं जी, हमें प्रसन्नता होगी। सवाल पूछना, लेकिन आप बने विपक्ष, एक आप विकल्प भी बने, लेकिन ये ठीक वही हाल है विपक्ष का। प्रतीक जी, जो मैं पहले उदाहरण दिया कि एक जार में जैसे 10-15 कछुए बंद कर दीजिए, एक चढ़ेगा दूसरा टांग पकड़कर खींच लेगा। आज विपक्ष पिछले 7 सालों से इसी हालात पर खड़ा है। राइट सर, राइट सर, इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी हालत कछुओं से बड़ी नहीं। राइट सर। बादल देवनाथ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने आप ही कहा ना, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुनील जी के पास था। बादल देवनाथ, आप ही के पास आ रहा हूँ। दादा मैं आ रहा हूँ। सुनील कुछ कह रहे थे, मैं आ रहा हूँ। मैं के शर्मा जी से केवल आपके कार्यक्रम में ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार के जो मंत्री ने कहा कि पूरे देश में बिना ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई, क्या वो सच है? और दूसरा एक सवाल, कांग्रेस के समय विदेशी बैंकों में देश का पैसा ज्यादा जमा हुआ या मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय स्विच बैंकों में देश का पैसा ज्यादा जमा हुआ? ईमानदारी से बता दीजिए। दोनों सवाल देश ईमानदारी से सुनना चाहता है आपका जवाब। के शर्मा जी, पहले सवाल का, जो पहला सवाल आपसे पूछा गया उस पर केंद्र ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है कि वो अपनी रिपोर्ट दें राज्य केंद्र को कि ऑक्सीजन की कमी से किसकी मौत हुई। दूसरे का सवाल का आप जवाब देना चाहेंगे देंगे, पहला मेरे पास जानकारी है वो मैंने दे दी। दादा का वक्त है, उसके बाद रिप्लाई करेंगे। जी दादा, बादल देवनाथ। मैं प्रतीक जी, बड़े भैया, मैं दो चार लाइन, बहुत सारे सवाल आ गया, मैं इसके लिए दो चार लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। मैंने देखा जो पुरानी बार राम का बात करके सामने कहा, मैं के शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, राम आपका कैसे आ गया, कैसे भैया हुआ? जहाँ राम आपका है, राम सबका है, राम सबका दिल में रहता है। एक बच्चा भी कंस को हराया था, आपको पता है। मैं ये अभी कंस का बात किया, किस भगवान कृष्ण का बात किया तो बोला इसके मुंह से कैसे कृष्ण कंस का राम का नाम आ गया? तो ये के शर्मा ने कहा। लेकिन मैं के शर्मा जी को कहना चाहता हूँ, के शर्मा जी, जो बात है, कोरोना जब शुरू हुआ था तब आप लोगों ने पूरे देश को तो ताली बजाया, दिया जलाया, सब कुछ करा दिया, भाजी बाबा सब कुछ करा दिया, लेकिन कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ के शर्मा जी। और 2 साल में 4,15,000 लोग कोरोना में मर गए, और इसका जिम्मेदार और जिम्मेदारी कौन लेगा के शर्मा जी? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और तीसरा बात है, महंगाई कितने हुआ पेट्रोल डीजल का, ये 100 पार किया पेट्रोल डीजल, और आप बताइए गैस का दाम कितना है पूरा देश में किचन। डॉक्टर साहब आ रहा हूं मैं, डॉक्टर के शर्मा आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं, वेट करिएगा। कोरोना कहाँ, इंडोनेशिया में हालात मालूम है आपको? इंडोनेशिया के मालूम है हालात क्या इस वक्त? तो दादा कहीं नहीं खत्म हुआ, वो तो अभी लड़ने की सतत प्रक्रिया है वो। जी शुभ्रास्ता जी, मैनेजमेंट की जरूरत है, बढ़िया मैनेजमेंट की जरूरत है, ये बात आपकी सच है। जी शुभ्रास्ता जमा, नाउ यू प्लीज रिप्लाई। जी प्रतीक जी, इसी शो में कोरोना के दौरान जब भी चर्चा हुई, मुझे लगता है कि
सबने देखा किस तरीके से हम जैसे लोग जो कि बहुत कोशिश करते हैं कि अब जितना ऑब्जेक्टिव हो सके उतना ऑब्जेक्टिव तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से अपनी बात रख सकें, सबको सरकारों को बिल्कुल घेरे में लिया गया, कहा गया कि जो चीजें जो व्यवस्था करनी थी वो नहीं की गई। लेकिन इस बात से भी हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी उत्तर प्रदेश सरकार को कितना सराहा है कोविड मैनेजमेंट को लेकर के। ये देश की जनता भी देख रही है, बाहर के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश में कोविड मैनेज हुआ। निश्चित रूप से जिनके जिन जिन घरों के चिराग बुझे, सुनील आ रहा हूं मैं, को झेलना पड़ा, दंश झेलना पड़ा, उसको दादा बोलने दीजिए फिर आप रिप्लाई करिएगा, फिर आप रिप्लाई करिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप क्या है नहीं, हेल्थ पैरामीटर्स में ममता बनर्जी ने पूरे स्टेट का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंगाल के घूम के चले आइए, चार पहिया गाड़ी अच्छे से ट्रैवल नहीं कर सकती, और यहाँ बैठ करके आप देश को ज्ञान दे रहे हैं डेवलपमेंट मॉडल के लिए। थोड़ा संयम रखिए देवनाथ दा, मैं उस टोन में बात नहीं करना चाह रही आपसे, आप बोल रहे हैं मैं चुपचाप सुन रही हूँ। स्ट्रीट फाइटर है लोग तो दीदी को स्ट्रीट शूटर भी कह रहे हैं क्योंकि आपने अपने विपक्षियों को भून डाला। देश की संसद में बैठने वाले इतने बड़े नेता, इतने सज्जन नेता, डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता जब गए आप लोगों ने उनको 48 घंटे तक बंद करके रख दिया, अब फिर भी जबरदस्ती बीच में बोले जा रहे हैं देवनाथ दा, क्या तरीका है ये आप लोगों के बात करने का? आप लोग तो विपक्ष का चेहरा बनने के लायक भी नहीं है, प्रधानमंत्री की दावेदारी छोड़ दीजिए, आप लोग इतने बदतमीज प्रवक्ता हैं कि आप लोगों तो आप लोग तो आप ही के शो में बैठ करके सुनील यादव जी भी बात कर रहे हैं, एक अदब से बात कर रहे हैं। जी दादा 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 बादल देवनाथ, बादल दादा मैं दे दूंगा आपको, दे दूंगा सुनील मैं आ रहा हूँ, आपने आवाज उठाई है, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, श्रीवास्तव को कम्प्लीट करने दीजिए, श्रीवास्तव प्लीज कंप्लीट। चुनावों के दौरान जरा उत्तर प्रदेश में और देखे बात करने का लहजा और बात करने की तहजीब सीख लें। जी राइट, सुनील सुनील को जवाब देना चाह रहे थे, सुनील आप जवाब दीजिए। शिवसेना के सवाल पे डॉक्टर के शर्मा ने एक सवाल पूछा था आनंद दुबे, आपने कहा था कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, डॉक्टर के शर्मा ने एक सवाल पूछा था कि ये अधिकार नहीं है कि कागज आप फ्लोर पे लें और फाड़ दें, ये अधिकार नहीं है, इसका जवाब देंगे आनंद दुबे, लेकिन सुनील यादव कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनील यादव देन आनंद दुबे जी। देखिए प्रतीक जी, क्योंकि के शर्मा जी प्रथम प्रवक्ता और जो बीजेपी की द्वितीय प्रवक्ता बैठी